था, उन्होंने फोन पे बोला था कि हम फोन पे कुछ डिस्कस करेंगे। सवाल मोबाइल पर होंगे, उनके सवाल ले लीजिए, ठीक है? सवाल मोबाइल पर है सारे। जो हमने प्रत्यावेदन दिया है वो आपको शिवांशु पढ़कर दो मिनट में सुना देते हैं। उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने हमको अंदर बुलाया, बिठाया, हमारा प्रत्यावेदन पूरा उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने सचिव पीएनपी को व्हाट्सएप करवाया और वहां से एक जवाब आया जो उन्होंने पढ़ा और फिर हमारे सारे सवालों के इत्मीनान से जवाब दिए। हमारा पहला सवाल था, रुकिए मैं देख लेता हूँ, ये आप समझ लीजिए, वहाँ 10 मिनट तक सचिव डायरेक्टर सर क्या ऑफिस में इंतजार किया और उन्होंने एक एक सवालों को इत्मीनान से पढ़ा और सचिव साहब को भी भेजा, पीएनपी सचिव को। उन्होंने जैसे हमारा पहला सवाल था कि बीएससी वाले छात्र जो हैं वो क्या लें, तो मैं पढ़ देता हूँ सवालों को। जैसे कहाँ सवाल दिए, स्नातक में जो बीएससी लिए हैं, ठीक है, बीएससी में जो मैथ साइंस जिनका रहता है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी हो, उसके लिए सीधा सीधा पहले भर्ती की बात कर लेते, भर्ती है क्या, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जूनियर एडेड भर्ती जो निकली हुई है, ये कोई वैकेंसी नहीं, कोई आपकी नौकरी नहीं इसके बाद लगनी तय है, ठीक है, सिर्फ ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, इस एक परीक्षा हो रही है और अभी उसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ सब्जेक्ट चयन करने का, ये बात सच है, आप कुछ भी चयन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको परीक्षा देने को मिलेगा, ओएमआर में आपके कॉलम आएगा कि आप भाषा कौन सी चयन कर, भाषा से दे रहे हैं या फिर एसएसटी से दे रहे हैं या मैथ साइंस से दे रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि मैनेजमेंट भर्तियां निकालेगा पदावार विषय के अनुसार, ठीक है, फिर उन विषयों पर चयन होगा और आपकी जैसे मेरिट होगी उसके आधार पे आपको बुलाया जाएगा और उस हिसाब से फिर मेरिट बनेगी, तब आपका जो विषय है वो स्नातक स्तर का लिया जाएगा। इसलिए साफ साफ आप ये समझ जाइए, जो भी आपका स्नातक का सब्जेक्ट है अंतिम वर्ष में, उसी के आधार पर आप टिक करें, किसी के कंफ्यूजन में, किसी भी यूट्यूबर या किसी भी चैनल के बहकावे में आप ना आए, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाद में जो रिक्तियां निकलेंगी वो विषयवार निकलेंगी। हम लोगों ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि सर जो बीएससी किए हुए छात्र हैं वो हिंदी लेकर मेरिट बढ़ाने की या नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा हमें लॉजिक दिया कि हिंदी किस हिसाब से ले रहे हैं वो, जब आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ही नहीं है। और हमारा बीच का जो माहौल था थोड़ा हल्का हो गया, वो भी हल्का सा मुस्कुराए, हम लोग भी थोड़ा सा मुस्कुराए और बस ये यहीं से सब कुछ क्लियर हो गया था। समझने वाली उनका सिर्फ और एक चीज कहने वाली बात ये थी, सबसे अहम बात ये थी कि जैसे क्या है कि उन्होंने कहा कि ये वैकेंसी निकली, जो दो पॉइंट थे बहुत गोलमोल से थे, ठीक है, मतलब बहुत कंफ्यूजन था उसमें, समझ में नहीं आ रहा था किसी को, शायद नहीं आ रहा, कोई कह रहा था सभी स्वतंत्र, हाँ ये बात सच है कि इसमें कहीं क्लॉज नहीं दिया हुआ है सब्जेक्ट का चयन करने का, फॉर्म भरते वक्त जिन्होंने ये फॉर्म भरा है कोई भी क्लॉज नहीं आया कि आप किस सब्जेक्ट का चयन करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन समस्या जब आएगी जब आप काउंसलिंग कराएंगे मैनेजमेंट वाले विद्यालयों में, एडेड वाले जो अशासकीय विद्यालय हैं वहां पर आपका विषय अनुसार ही चयन लेंगे वो, तब आपका स्नातक देखा जाएगा और परीक्षा के जो रिजल्ट है वो देखे ये देखे जाएंगे, ठीक है, उसके आधार पर भर्ती आएंगी, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी के बहकावे में ना आए, आप फॉर्म स्वतंत्र हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहें, आप फॉर्म भरें और ग्रेजुएशन के उसके हिसाब से तैयारी करें, जब आप परीक्षा दे रहे होंगे ओएमआर में आपके कॉलम होंगे भाषा।